जो इसका हमारा पार्किंग का जो इश्यू चल रहा था वो काफ़ी दिनों से चल रहा था, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि कंट्रैक्टर जो है वो नीचे पहले नीचे का जो ग्राउंड सारा कच्चा है उसको वो पक्का करेगा, टाइल लगाएगा, और उसमें हमारा कोई विरोध नहीं होगा, और उसके बाद कंट्रैक्टर हमारे साथ बैठ के कोई एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस ढंग से हमने उनको पेमेंट देनी है। लेकिन कंट्रैक्टर ने हमारे पास कोई अप्रोच नहीं की आज तक, और ना ही कंट्रैक्टर ने नीचे कोई काम शुरू किया। अलबत्ता ये हुआ कि यहाँ एक CMI की पोस्ट के एक सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी, उन्होंने 11 तारीख को एक लेटर निकाला बिजली डिपार्टमेंट में और पानी डिपार्टमेंट में, दोनों जगह लेटर डाल के हमारी बिजली काट दी गई और पानी भी काट दिया गया। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग इंसानी जीवित इंसान हैं, और हमारे साथ इतना बड़ा जो ह्यूमन राइट वायलेशन इन्होंने की है, इसके लिए हमने, क्योंकि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में भी हमने जज साहब को ये डॉक्यूमेंट दिए कि इन्होंने हमारी बिजली भी काट दी है और पानी भी काट दिया है। जो जहाँ तक हम किराए की बात है, तो ये किराया हमारा किराया जो हमारा रेलवे में जाता है बिजली का, ये 7 तारीख को हमने इनको ड्राफ्ट दिया है 54,000। तो इसके बावजूद भी इन्होंने हमारा जो है बिजली काट दी, और यहाँ पर यात्रू आ रहा है, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हमारे मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी हार्ट के बाईपास सर्जरी इनकी, और कितने लोग मेरे कम से कम 10 लोग हैं जिनकी यहाँ पर बाईपास सर्जरी हुई, तो यहाँ पर वो हमारी सांस बंद करके हमको मारना चाहते हैं, और पानी बंद करके इस गर्मी के टाइम में, तो ये हमारी बर्बादी के लिए। इसका एक ही जो इसमें इन्वॉल्व है वो बंदा, वो है पुरुषोत्तम सिंह, CMI जो है उसको किसने पावर दे दी कस्टोडियन की पावर इस्तेमाल करने की, जबकि कस्टोडियन जो है वो स्टेशन मास्टर है। अगर स्टेशन मास्टर जी हमको ऐसा कोई आदेश देते, या डायरेक्टर साहब हमको कोई ऐसा आदेश देते, तो हम समझते कि उनके पास कोई ताकत है, कोई पावर है, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे वो भी, क्योंकि वो एक बहुत ही एक जिम्मेवार पोस्ट पर बैठे हुए हैं। और ये शख्स जो है पुरुषोत्तम सिंह, इसका जो बैकग्राउंड है वो उस पर भी मैं आऊँगा। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसकी पार्टनरशिप है इस ठेकेदार के साथ, और ये चाहता है कि यहाँ पर नीचे बैरियर लगे और बैरियर से डेली ये पर्ची कलेक्ट करे, जबकि इस ठेके में, इस टेंडर में ये मंथली बेस का टेंडर है, मंथली पैसे ले सकते हैं, बैरियर लगा के ये पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये बैरियर लगा के पैसे कलेक्ट करने का टेंडर होता तो ये टेंडर 1 करोड़ 1 लाख का नहीं होता, ये टेंडर कम से कम 1.5 करोड़ के ऊपर जाता। और ये चूना जो है लगाया गया है डिपार्टमेंट को, इस बंदे की एक शरारत के तहत इसने सबको, ठेकेदार को भी इसने मिसलीड किया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हालांकि अभी ठेकेदार को ये पता चल चुका है कि यहाँ बैरल नहीं लगेगा, ना यहाँ पर्ची कटेगी। कितने दिन से सफर कर रहे हैं सर? बिजली पानी की हम 6 तारीख से हम सफर, 11 तारीख को हमारा बिजली पानी कटा हुआ है। ये इन्वर्टर की पे बैटरी है, बाहर आप देखिए मेरे दरवाजे के बाहर 2 बैटरी पड़ी है, बैटरी जा रही है, चार्ज होके आ रही है, फिर जा रही है, फिर चार्ज होके आ रही है, इस तरीके से हम, लेकिन पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी हम नीचे से, कोई घर से ला रहा है, कोई कैसे ला रहा है, हमारा जो जीवन का जो सबसे बड़ा अधिकार है बिजली पानी पे, उसको हमसे वंचित किया गया। और किस इंसान ने किया है? वो इंसान जो के आज की तारीख में जितना भी यहाँ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वो सारे बिजली उसमें से सबसे वो महीना लेता है। हमको भी ऑफर दी गई इस बंदे की बदौलत, हमको भी बुलाया गया, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसने कहा है कि आप लोगों को ये मैं टेंडर नहीं होने दूंगा, मुझे ऑटो दे सकते हैं, वो भी सीधे दरवाजे से, बैकडोर से हम किसी को पैसा नहीं देंगे, जिसका हम हरजाना भुगत रहे हैं। आज जितने भी सफ़र कर रहे हैं, अगर हम इसको बैकडोर से मिलते तो ये शायद हम पर ये मुसीबत नहीं आती, लेकिन हमने बैकडोर में नहीं गए, और वहाँ पर हमारे पार्सल का एक सेटअप है, पार्सल का सेटअप भी इस टेंडर से बाहर निकाला गया, इस बंदे ने निकाला कि ये हम 50-50 कर लेंगे, ठेकेदार और जो पुरुषोत्तम है ये 50-50 कर लेंगे, तो वो जो है पार्सल का एरिया वहाँ 50-60 गाड़ी चलती है, पार्सल में वहाँ पर स्लॉट होते हैं, वो भी इन्होंने लाड करवाए होंगे, अपने बंदे खड़े करके ये लाड करवाता है, जैसे ये टेंडर अभी ये पार्किंग का टेंडर है, ये भी इसने ऐसे ही खड़े करके करवाया, और कार्गो का काम इनके कठुआ से भी चलता था, वो भी इसमें भी ये पार्टनरशिप थी।
हर एक वो काम जो रेलवे स्टेशन में कमर्शियल है उसमें ये इसका किसी न किसी ढंग से पार्टनरशिप। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये है कि मेरे को कल दो कोई लीडिंग न्यूज़पेपर ने कवर किया था, न्यूज़पेपर नहीं न्यूज़ चैनल वालों ने, वो कुछ टाइम चलते हैं और उसके बाद वो दोनों डिलीट कर दिए जाते हैं। और ये बंदा कह रहा है, इस बंदे ने कहा है कि इसकी क्या ताकत है टैक्सी के प्रेसिडेंट की, मैं मीडिया पर पूरा कंट्रोल रखता हूँ, मैंने दो डिलीट करवा दिए कल जो मेरे वन टू वन हुए। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं क्यों ना सब मीडिया तो एक वो पिलर है हमारा डेमोक्रेसी का जिस पर सारा हिंदुस्तान सारी दुनिया नाच करती है, तो वो मैं उस पिलर की बदौलत में मैंने तब आप लोगों को, और मेरा कोई मकसद नहीं था, मेरा कोर्ट में चल रहा है केस, 19 को उसका डिसीजन आएगा, मेरी बिजली पानी बंद है, ह्यूमन राइट्स में जा रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से भी मेरी ये अपील जानी चाहिए कि हमारा बिजली पानी जो फौरन जो इसको इंस्टॉल जो रेलवे आपके खिलाफ है या कि ठेकेदार आपके खिलाफ है, मेरे खिलाफ है कि आपको कोई खतरा तो नहीं? मेरे खिलाफ खतरे की जहाँ तक बात है, मुझे 101% यकीन है कि ये ठेकेदार या इसके साथ जो वो तीन लोग हैं और ये परशोत्तम जो है, ये कोई ना कोई ऐसी चाल चलेंगे, मेरे पर हमला भी करवा सकते हैं, मेरे को घर पे भी हमला करवा सकते हैं, कहीं भी मेरे पर हमला हो सकता है, और कभी भी मेरे पे कुछ हुआ, मेरा इवन के एक्सीडेंट भी होता है तो उसके पीछे भी ये परशोत्तम होगा। आपने इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह कहीं दी? देखिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़ा सिंसियरली ले रहा है सब चीज़ों के, शायद इसको कोई थोड़ा बहुत समझ आए कि ये कर क्या रहा है, रेलवे का कस्टोडियन बना हुआ है, या CBI की इनके इसके घर में रेड हुई, CBI इस पर केस आया था, ज़रूरत से ज़्यादा जो इसकी इनकम है उससे बढ़कर इसकी जो इसकी सैलरी के इसके पास असेट्स थे उस पर, और दूसरा इसके डिपार्टमेंट से एक इंक्वायरी आई थी, उस समय ये उधमपुर में था, सॉरी कटरा में था, उसकी कॉपी है हमारे पास, लेकिन मैं अभी वो नहीं देना चाहता हूँ। उसके तहत ये है कि इस बंदे को अगर ये 4 साल का यहाँ पर है तो इस बंदे की ट्रांसफ़र जो है वो जम्मू के बाहर मतलब पठानकोट के आगे हो सकती है, इस एरिया में इसकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये CBI से भी निकल जाता है और वहाँ ट्रांसफ़र इसकी अमृतसर में होती है, 2-4 दिन 10 दिन के बाद फिर दोबारा ट्रांसफ़र यहाँ कराता है और यहाँ का जो मीडिया मुझको कवर करता है उसको भी डिलीट कराता है, तो कितनी बड़ी ताकत है इसके पीछे, कौन सा गैंग है इसके पीछे? आपने कहा कि एक छोटा सा मुलाजम है, एक CMI की पोस्ट रखता है और पावर वो इस तरह कर रहा है कि जिस तरह उसने पूरा जम्मू, कहता है कि मेरी जेब में है, ये जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी यहाँ पर मीडिया सारी, ये जितना भी यहाँ पर इसका स्टेशन का जो सेटअप है, और उसके कहने के अनुसार कि मीडिया भी उसकी जेब में ही है, अगर कल मेरे दो जो हैं मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, मैंने पूरा इसी तरह बोला हूँ जो मैं बोला हूँ, तो मेरे साथ क्या मीडिया ने दुश्मनी करनी थी कोई, मेरे को नंगा करके वो डिलीट कर दिया। अब चैनल के जो मेरा मकसद था, चैनल पे दिए थे चौधरी साहब, किस चैनल पे आपने वो दो इंटरव्यू, दो चैनलों के नाम बता सकते हैं आपके, जिन चैनल में आपने इंटरव्यू दिया था? अगर आप लोग बोलते हैं तो बता सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए ना सर, आप बताइए। न्यूज़ नाउ और नव भारत टाइम्स, अच्छा, इन दो पे अपने दो सरदार जी और एक वो शायद लड़की आती है उन्होंने किया, और रात को भी मैंने फिर मेरे को कहीं से इसकी फीडबैक मिली, मेरे को वापस आया, फिर मैंने व्हाट्सएप में इसका कट करके 14 मिनट की है तो करके मैंने दोबारा उनको डाला, उस लड़की को मैंने दोबारा में डाला, मैंने कहा अपने न्यूज़ चैनल में बोल दीजिए कि इसको चला दीजिए, नहीं तो मैं कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ कि क्या मतलब कि मीडिया किसी हमारे जैसे लोग जो गरीब लोग हैं अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ में उनको दबाने के लिए किसी एक आदमी का साथ दे सकता है, मीडिया कैसे दे सकता है जिस पर इतना नाज है पूरे हिंदुस्तान को मीडिया पे, उस मीडिया को 1-2% का आदमी खरीद लेगा। आपको लगता है कि मीडिया बिकेगी? मैं मुझे बड़ा मीडिया देखिए, मैं 35 साल से ट्रांसपोर्ट यूनियन में हूँ, लेकिन 35 साल में बहुत सी एजिटेशन भी हमने की है, बहुत सी लीड भी की है हमने, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे साथ कल हुआ है। मैं क्या समझूंगा क्या हुआ है, ये आप लोग साहब मीडिया जन है, आप बताइए मेरे साथ क्या हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं कि मीडिया पर भी ऐसे लोग दबाव डालते हैं? मीडिया पर दबाव डाला नहीं गया होता तो ये कट कैसे हुआ जी, मुझे ये बताइए आप। रश्मि जी आप बताइए, आप बहुत सीनियर हैं, क्या आपने उन चैनल्स के एडिटर से बात की है जो उसको मेरे को जिन्होंने रिकॉर्ड किया है? देखिए मेरे को रिकॉर्ड किया है सरदार जी ने, संधू साहब ने मेरे को रिकॉर्ड किया है, वो लड़की हरीशा करके नाम है उनका, उन्होंने मेरे को कवर किया है तो मैंने उनसे बात की। सर क्या वो लाइव किया था, रिकॉर्ड किया था? लाइव किया है।
और चला है कुछ टाइम चला है, उसके बाद जैसे चला इन्होंने देखा तो इन्होंने उसको काट। दविंदर जी, मेरा बड़ा ही कड़वा सवाल होगा, हमारा काम है सवाल करना आपसे। बताइए, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जो कि टेबल टॉक पर विश्वास रखते हैं, जब अपनी कोई उनकी बात होती है तो वो कहते हैं कि टेबल टॉक से, टेबल टॉक के राही हमारी कई सारी परेशानियां हल हुई हैं, तो आपके लिए वो आगे क्यों नहीं आ रहे? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ हैं, किसी वजह से वो कहीं बाहर गए हुए थे। हमारी परसों की मीटिंग हुई है और परसों की मीटिंग में हमारे साथ थे, वो हमारे इसी टेबल पे थे और हमारी यहाँ ज्वाइंट मीटिंग हुई है और उनकी चेयरमैनशिप के अंडर हमने कुछ रेजोल्यूशन डाले हैं, वो अभी मैं उसको डिस्क्लोज। कितने दिन से आपकी बिजली और पानी? ये मेरी 11 तारीख से बंद है बिजली और पानी।